हेलो गाइस, जय हिंद। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे प्राइवेट सेक्टर में बीएड करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप पढ़ा कर अपने लाइफ में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप सभी को बता दें, जनरली बच्चों को पता होता है कि बीएड करने के बाद सिर्फ हम सरकारी टीचर ही बन सकते हैं। सरकारी टीचर के बाद उनके पास जो ऑप्शंस बचते हैं, उनके पास उनको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कैरियर को लेके। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अपने फ्यूचर को संवारना चाहें तो हम कैसे संवार सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बीएड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सबके पास जॉब तो आ नहीं सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट उतना जॉब दे नहीं रही है। तो गवर्नमेंट जितनी सीटें निकालती है उतने पर ही सिलेक्शन होगा, बाकी बच्चे कहीं ना कहीं रह जाते हैं और आगे ट्राई करते रहते हैं, या पर कहीं भी किसी फील्ड में लगे हुए रहते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। अगर आपके पास डिग्री है तो आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आपने बीएड कर रखा है तो। बस आप में वो स्किल होना चाहिए टीचिंग का। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप माहिर टीचर हैं, वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का अपना वैल्यू है। कभी भी किसी सब्जेक्ट को कम में ना आके, कि अगर आपको संस्कृत आता है तो संस्कृत आपका मतलब डिमांड नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स आता है, आपका सोशल साइंस क्लियर है, आपका साइंस क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट का वैल्यू है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश की ही डिमांड होती है या साइंस की डिमांड होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का डिमांड है, बस आप में उसको लेके अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आप अच्छी टीचिंग स्किल आपके अंदर हो, आप प्रॉपर तरीके से टीच कर पाएं, और आपके पास इंग्लिश का थोड़ा सा नॉलेज जरूर होना चाहिए, इंग्लिश के बच्चों को भी आप पढ़ा सकें। और अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो हमें अपने अंदर इन चीज़ों को डेवलप करना है, सो दैट हम प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को सिक्योर रख पाएं। अगर हमारे पास जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है, तब तक हम टीचिंग करके एक गवर्नमेंट TGT लेवल की सैलरी हम जनरेट कर पाएं, इतना सैलरी हम उठा पाएं। हम आप सभी को बता देना चाहेंगे, जितने भी हमारे शहर के कॉलेज होते हैं, जैसे इलाहाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, जो भी बनारस है, बड़ी सिटी जो है, वहाँ पर जितने भी कॉलेज होते हैं, किसी भी कॉलेज में टीचर की सैलरी 30-35 हज़ार से कम नहीं होती है। मिनिमम सैलरी 30,000, 35 होती है, 30,000 होती है, इतनी मिनिमम सैलरी होती है। बस आप में सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज होना चाहिए, आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेमो और इंटरव्यू होता है। अगर आपने इंटरव्यू और डेमो को क्रैक कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर हमेशा टीचर्स की रिक्वायरमेंट बनी होती है, क्योंकि उनको भी, जिनका भी कॉलेज होता है, उनको चाहिए होता है एक परफेक्ट टीचर, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं एक बेहतर टीचर की आवश्यकता हर एक स्कूल में बनी रहती है, हर एक इंस्टीट्यूट में बना रहता है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में तो आप विदाउट बीएड भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्कूल में जाना है तो आपके पास बीएड डिग्री का मस्ट होना जरूरी है। हिंदी मीडियम के स्कूल जो सैलरी ऑफर करते हैं 22 से 25 हज़ार, 26 हज़ार, इतना ऑफर करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के CBSE पैटर्न पे स्कूल हैं, वो आपको मिनिमम 30,000 पे स्किल देते हैं। ये सैलरी आपको यहाँ पर स्कूलों में मिल जाती है, जो आपके इलाहाबाद सिटी या लखनऊ सिटी या बनारस आसपास के जो अच्छे सिटी हैं, वहाँ पर जो कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज में इतनी सैलरी आप उठा सकते हैं, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चों को टीच करते हैं तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जो हिंदी मीडियम के मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वहाँ पर आएँ, इन सिटीज़ में आपको 22 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी मिल जाती है, अगर आप बीएड किए हैं तो। क्या मानना है, प्राइवेट सेक्टर में जो हम एक अदर जॉब करते हैं उससे एक बेहतर जॉब हो जाती है, कि हम अपने उसी लाइन में रहते हैं जिस लाइन के लिए हम ऑलरेडी बीएड किए थे, और आगे चल के आप अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप ट्यूशन प्रोवाइड करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हैं, एक आप उतनी सैलरी जनरेट करते हैं जितना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं 30 से 40 हज़ार जो महीना कमाते हैं, जिनकी TGT लेवल की सैलरी होती है, वो लेवल आप खुद से जनरेट कर पाते हैं। बस आपका एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप प्राइवेट सेक्टर में है तो एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आपको एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए, तो आपका पे स्किल उनसे भी ज़्यादा हो सकता है, बढ़ भी सकता है, चीज़ें बढ़ती भी रहती हैं। मेरा मानना है कि कैरियर का एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने बीएड किया है तो। ऐसे ही बहुत सारे आपको वीडियोज़ आगे मिलते रहेंगे CCS से, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, हम बीएड के पेड कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं अपने एप्लीकेशन पर, जाके वहाँ से परचेज करके प्रॉपर तरीके से आप तैयारी भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।